हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फादर ऑफ स्टैटिक्स, यानी कि आप स्टैटिक्स तो पढ़ते हैं बीकॉम में और ट्वेल्थ इलेवेंथ में स्टैटिक्स को पढ़ना ही रहता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। तो स्टैटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसके फादर के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि फादर ऑफ स्टैटिक्स है कौन। तो आइए आज की क्लास में हम वही आपको बताने वाले हैं। फादर ऑफ स्टैटिक्स जो है वो है गॉटफ्राइड एकेनवाल। गॉटफ्राइड एकेनवाल ही स्टैटिक्स के फादर हैं। अगर पूछ दिया जाए कि फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन है तो गॉटफ्राइड एकेनवाल का नाम आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टैटिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनके फादर का नाम तो हर हाल में आना चाहिए। इसलिए आप लोग इसको लर्न कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स, यानी इंडियन स्टैटिक्स के फादर कौन है। अगर होल वर्ल्ड के फादर ऑफ स्टैटिक्स पूछा जाए तो आप गॉटफ्राइड एकेनवाल का नाम फौरन लिख देंगे वहां पे। और अगर फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रसन्नता चंद्रा महालानोबिस, यानी कि प्रसन्नता चंद्रा महालानोबिस ही फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स हैं। और ये दोनों सवाल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए इनके फादर का नाम जरूर आना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड थर्ड है फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स, यानी मॉडर्न स्टैटिक्स के फादर कौन है। तो वो है सर रोनाल्ड फिशर। सर रोनाल्ड फिशर फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स हैं। तो अब आपको याद हो गया होगा शायद कि फादर ऑफ स्टैटिक्स ऑफ होल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया के फादर ऑफ स्टैटिक्स गॉटफ्राइड एकेनवाल हैं, और फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स प्रसन्नता चंद्रा महालानोबिस हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स सर रोनाल्ड फिशर हैं। तो आप ये तीनों नाम याद कर लीजिए और बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये तीनों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है याद करना। तो आई होप कि आपको फादर ऑफ स्टैटिक्स, इंडियन स्टैटिक्स एंड मॉडर्न स्टैटिक्स के फादर पता चल गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल कॉमर्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।